وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर वफ़िक्र करें और नसीहत हासिल करेंदमदरतल साम कराम अल्लाम वरम वक्म कराम सूर्य बकरा आयत नंबर 124, सौ दर्श नंबर 109. सौ नौ आज का मौजू जमाने का इमाम है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक का एदा होगा बसमिल

और तुमसे ना तो कभी खुश होंगे और न ईसाई यहाँ तक उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो उनसे कह दो की खुदा की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है और ए पैगम्बर अगर तुम अपने पास इल्मी वही खुदा के आ जाने पर भी

जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं और जो इसको नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं यह बनी इस वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए और ये की मैंने तुमको अहल आलम पर फजीलत बख्शी वो तक सुना बलू मिन्हा अदलू वाला शफात फाऊ है शफातू वाला और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सकी तो सूर बकर नंबर एक सौ चौबीस व इज़ब तला इब्राहिम रबू हो और जब लिया इम्तहान इब्राही इब्राहिम का उसके रब ने चंद बातों बेफ आत्म महन्ना तो वो उस पर पूरा उतरा काला इन्नी जाए के लिए ना से इमामा तो अल्लाह ताली ने उनको कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूँ खाला व मंजूरी और कहा इब्राहिम ने कि अल्लाह ये इमामत मेरी औलाद में भी होगी खला ला या नाल आहदस वालमीन आहदिस वालमीन तो उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा वादा जालिमों से नहीं है आ, सामने सामम सूरे बकरा है और न, इब्राहीम का वाकया शुरू हो गया और आपको मालूम है कि इब्राहीम यानी जो हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नस्ब है वो इब्राहीम उनके जदमजद थे और ये भी आपको मालूम है कि बनी इसराइल का भी जो वाकयात गुज़रे हैं उनके भी जद्दाम जद जद्द जो थे वो इब्राहीम थे मतलब हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत साक़्म और उनके बेटे हज़रत याकूब याकूबल उनके बेटे हज़रत यूसुफ और यूसुफ गए मिसर में फिर वहाँ बहुत सारे वाकयात जो अब हम पढ़ रहे हैं वही हैं और फिर इनूर ये हज़रत इब्राहिम के एक बेटे थे हज़रत इस्माइल अलात वाम तो वो भी इनके बेटे थे अब यान यानी बनू इस्माइल और बनी इसराइल तो ये सारे जो हैं मतलब यह है कि एक ही दादा के यानि औलाद है तो बहरहाल हम अपने मतलब मज़मून की तरफ आते हैं और इब्राहीम का वाक़ इसलिए भी ये यही जिक्र है कि उनका बहुत बड़ा दखल है तीन इस्लाम के जो हमारे मरबजा चीज़ें हैं या जो बैतुल्ला शरीफ जो है उनकी बनाई हुई घर है और यही तमीरी न उन्होंने की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनके बेटे उनके साथ थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और फिर हमें हुक्म भी है के फ़त तबि मिल्लताब्राहिम हनीफ़ा व माकाना मिलन मश्रकिन तुम मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करो और फिर अल्लाह ताली ने यह भी हुक्म दिया है कि तुम्हारे लिए इब्राहिम आसाम और उनके साथ जो थे उनमें एक बेहतरीन नमूना मौजूद है हमेशा पैगम्बर की ज़ात जो होती है सामने कलम वो एक नमूना होती है ये बात नोट कर लें हर पैगम्बर एक यानी अमल का एक नमूना पेश करता है अपनी उम्मत के सामने अल्लाह की तरफ़ दावत देता है और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने का तरीक़ा भी बताता है और उस परमल करके भी दिखाता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हम जैर नज़र आए पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि चंद बातों में मैंने इब्राहीम का इम्तहान लिया और वह उस पर पूरे उतरे तो मैंने उनको लोगों का इमाम बना दिया अब ये मज़मून यानी बिल्कुल ठीक आता है इब्राहिम की ज़ात पर लेकिन दरअसल ये इंसान के साथ एक वादा है दुनिया में आके अल्लाह ताला ने हमारा इम्तहान लिया है चंद चंद चीज़ों बेकलिमात यानी मैं इसमें अपने लिए मजमून और अपने लिए नसीहत देख रहा हूँ और हालात तो और वाकयात जो भी हैं हक़ उनका मैं तस्करा कर रहा हूँ आपके सामने तो ज़रा थोड़ा सा ग़ौर से सुने तो जिस तरह इब्राहीम का इम्तिहान लिया अल्लाह तो ताला ने और तो जब वो उन पर पूरे उतरे तो उनको इनाम के तौर पर इमाम लोगों का इमाम बना दिया और बिल्कुल यानी हम जो है यानी इंसान देखें एक तो इंसान जब दुनिया में आया है तो ये इब्तला है यानी वला और जब हमने इम्तिहान लिया इब्राहिम का लेकिन इंसान का भी तो इम्तिहान है यानी आप इस आयत के जो मफाहिम है उससे अपने आप को नहीं निकाल सकते दुनिया में इंसान आया है ये इबिला और आजमाइश है ज़ारी यानी ये, ये एक इम्तहान है दुनिया इम्तिहान है आपको मालूम है और इसमें अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दे के आजमाया है हमारी आजमाइश किस में है ये देखें दुनिया में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है और हमारी रूह जो है वो बातिन में है रूह को बातिन में रखा है जाहिर है कि रूह का ताल्लुक तो बातिन ही से है और हम ज़ाहिरी एक जिस्म में जिसम अल्लाह ताला ने हमें आता किया है और इसमें हम सांसें भी ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं दूसरी जो हमारी अकल है थोड़ा सा गौर से सुनो जो हमारी अकल है वो ज़ाहिर तक महदूद है इसको ज़ाहिर समझ में आता है सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है महसूस भी होता है लेकिन इसको बातिन महसूस नहीं होता तो अल्लाह ताला ने हमारा यानी दुनिया में जिसम दे के ज़िंदगी दे के हमारा इम्तिहान है इस इसमें अब और इम्तिहान इसमें है कि तुम ज़िंदगी यानी तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें यह फरमाया है कि तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी ना गुज़ारो बल्कि मैं तुम्हें हिदायत दूँगा तुम मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो फ़ैमायाति कुमी हद फ़मन तब्या हदाय फ़लाम्बल जनून तो ये सारी हकीक़त यह है ये इम्तहान है वज़ब तला जब इब्राहिम का उसके रब ने इम्तहान लिया तो ये न भूलें सामने कर मैं भी एक आर्स इम्तहान में हूँ और मेरा भी इम्तहान है ये ज़िंदगी में एक इम्तहान है मेरे सामने दुनिया को अल्लाह ताला ने सजा दिया है और वो आयत याद करें ना कि जुइन अल्लास हब्ब शाहबात मिनसा वलबन वल़ना तिरमुकरतमिनब वालफ वलखैलमसवत वल अन आम वलहर्स ये सारी चीज़ें मुजन हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं लेकिन अल्लाह ने कहा है कि इसको दिल न देना दिल मुझे दे दो इसको इस्तेमाल करो ये इस्तेमाल की चीज़ें हैं बरतने की चीज़ें हैं अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से मैं आपको एक गहरा मजमून बयान कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको सोचें अल्लाह ने दुनिया को हमारे लिए एक आजमाइश बना दिया है जैसे कि अल्लाह ताला ने एक आयत मुबारक में फ़रमाया है कि इन नमाकुम व औलादुकुम फितना तुम्हारी माल और औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है फितना इब्तला यहाँ भी इब्तला है ना तो अल्लाह ताला ने देखे हमें जाहिर हमारे सामने रख कर और बातिन को पोशीदा रख कर हमारी आजमाइश है अब अब एक सवाल ये है कि हम बातिन को कैसे महसूस करें बातिन पर यकीन कैसे करें क्योंकि हमारी अकल तो महदूद है वह तो जाहिर को देख के तसली होती है उसकी और लेकिन बातन तो उसे न नज़र आता है जब नज़र नहीं आता तो यकीन भी ऐसा नहीं पैदा हो सकता जिस तरह के आप जाहिर को देख रहे हैं जाहिर की तरह बातन पर यकीन नहीं आ सकता अकल को इब्तदाई तौर पे अब क्या करें सवाल ये है बातिन असल तो बातिन है हमारी बातिन पर यकीन करने के लिए आपको अल्लाह ताला ने और आपको और आपको मुझे अल्लाह ताला तकल दी है अकल का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बताई हैं कि देखो ये निशानियाँ हैं इस पर गौर करो तुम खुद सनरी आयात न फिल आफा के वफी अनफिम हत्या तबैया ना लहमह मे रब है इनको मैं अपनी निशानियाँ दिखाऊंगा आफाक में भी और अनफुस में भी इनको मालूम हो जाएगा अगर ये सोचेंगे तो इनका मालूम हो जाएगा कि हक़ है बातिन जो नज़र नहीं आ रहा वो हक है वही हक़ है रब की तरफ से तो देखें आजमाइश इम्तिहान ये आयत नंबर एक सौ चौबीस में मैं आपके इसके मौजूद जो इस आयत में पोषीदा हैं वो ये है कि इंसान का इम्तहान है अगर ये इम्तहान में पूरा उतरेगा तो अल्लाह ताला इसको इमाम बना देगा और जो इस इम्तिहान में पूरा नहीं उतरेगा या इसको इम्तिहान नहीं समझेगा तो वो फिर जालिम है अपने ऊपर उसने किया या वैताद हदूद अल्लाह फकत फ़क्त नफसा जिसने अल्लाह की हदूद को से तवुस किया उसने अपने ऊपर किया फ़कत ज़ुल नफ्सा बहरहाल तो सामिहन इक्राम ये सारी बातें हैं और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इम्तहान हम कमरे इम्तहान में हैं देखें अब यानी इस बात पे देखें आप गौर करें मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो इसलिए नहीं बैठा कि आपको मैं कुरान का तर्जुमा बताऊँ या इसके अल्फाज के मानी बताऊँ मैं इसलिए बैठा हूँ कि हम इसमें हमत तलाश करें और क़ुरान में हम अपने लिए नसीहत देखें कि हमारे लिए इसमें क्या नसीहत है क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वाज तौर तो पे कह दिया है कि नल कुरान जिक्र फहल में मुद्दर मैंने कुरान को समझने के लिए नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है जो इसको सोचे और समझे और नसीहत हासिल करे तो ये मकसद है मेरा यहाँ बैठने का आपका भी यही मकसद होना चाहिए तो न, इम्तिहान इम्तिहान की मैं बात कर रहा हूँ देखिए मैं आपको ये एक एक बात बता रहा हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कमर इम्तिहान मिसाल के तौर पे एक न, मिसाल के तौर पे मिसाल कायम कर लेते हैं एक डॉक्टर है उसने मेडिकल का इम्तिहान एम बी बी एस बन गया अब उसकी अब जाहिर है आपको पता है कि यहाँ तो स्पेशलाइजेशन का दौर है और ख़ास चीज़ में अगर आप यानी डिग्री नहीं लेते तो आपकी ना तो यानी तरक्की हो सकती है ना आपके पास मरीज़ ऐसे आ सकते हैं तो आप अपने ऊपर एक लेबल लगाना चाहिए आपको हर डॉक्टर को कि भाई ये मैं इसमें स्पेशल हूँ तो वो मिसाल के तौर पे एक लड़का एमबीबीएस करके उसने दाखला ले लिया कैम में, एफ आर सी एस में या एम आर सी पी एस में जो भी हो डिग्री तो इम्तहान में दाखिला ले लिया अब वो इम्तहान में वो लड़का वो डॉक्टर जो बन गया है तो अब वो इम्तिहान में दिलचस्पी नहीं ले रहा जो उसका अगला इम्तहान है उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा और जो भी अरसा है तैयारी का वो लाहौो लाइब में गुजार देता है खेल तमाशे में गुजार देता है मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसको दोस्ती कर लेता है लड़कियों के साथ या लड़कियां लड़कों के साथ और अपने जो तवज्जो है उसकी इम्तिहान से हट के वो दोस्तियाँ पे जाहिर है कि लड़का लड़की जब मिल जाते हैं तो वो फिर आपको मालूम है लेकिन वो इम्तिहान पे तवज्जो नहीं दे रहा अब उसके सारा मुस्बिल का जो झूठा मुस्कबिल है उसका सारा इहिसार जो है वो तो उस तैयारी पे है और फिर इम्तहान देने पर है अब ये लाहौल लाइब में असल मकसद से हट के लाहौ लाइब में मुबला हो गए लड़का लड़की मिसाल के तौर पे। देखिए मिसाल समझने के लिए होती है ज़रूरी नहीं है तो अब उनकी तवज्जो तालीम से हट गई कभी इधर गए कभी उधर गए, गए ये डिनर ये लंच ये बुलाना ढिमकाना और वो सारा जो अर्श तैयारी था वो उन्होंने खेल कूद में गुजार दिया टाइम पास इम्तहान के दिन जो इम्तिहान का दिन आया तो उन्होंने वहाँ भी उन्होंने कोने में बैठ के फ़र्ज किया लड़कों को इजाजत है कि तुम पेपर लो यानी क्वेश्चन पेपर लो या उसे हल करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है ऐसा तो होता है कोई इंसान अगर पेपर लेके कर पे उस पर कुछ नहीं लिखना चाहता जो आंसर शीट है तो ये उसकी मर्जी है वो तो नतीजा फिर पता चलेगा ना अगर वो सवालत के जवाब की उसने न तैयारी की है ना अब वो आंसर शीट पे जवाब लिख रहे हैं तो जाहिर है कि ये सारा जो है उसने यानी जो असल मकसद था तो वो उसने वक्त ज़ाया कर दिया तो देखें हमारा जो ज़मीन पे वजूद है अब आते हैं अपने हकीकत की तरफ दुनिया में जब रूह आती है अल्लाह ताला उसको जिस्म दे के दुनिया में भिजवाता है तो ये एक आर्सय इम्तिहान है और इसमें तैयारी करनी है अल्लाह ताला इसको बहुत बुलंद मर्तबा देना चाहता है और इसके लिए तैयारी का ये अरसा हयात जो है ये तैयारी का है और मैं वो जो इनाम है उसका मैं तस्करा किए बग़ैर मेरा दिल तो ठंडा नहीं होगा मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान इन्स, को अपनी मुलाकात अपने क़ुरब और अपने दीदार आता करने के लिए चुन लिया है सुबह अल्लाह अच्छा दुनिया क्या है ये अल्लाह से मुलाकात उसके कुर्ब और उसके दीदार की तैयारी की जगह का नाम क्या है दुनिया अब यहाँ इसकी आज अच्छा दुनिया में इसको इम्तहान के लिए भिजवाया इसके सामने आशाइशात दुनिया है और ज़ाहिर दुनिया है अब इसका इम्तहान है पैगंबर को अल्लाह ताला भिजवा के इंसान को बताता है उसका मकसद हयात और मकसूद हयात तक पहुँचने का तरीक़ा थोड़ी तवज्जो सामने करो मकसूद हयात तक पहुँचने का तरीक़ा अब ये अरस इम्तहान में है इब्तला है वज़ब तला चंद बातों में हमारा इम्तहान है बेकल एम दिन अब जो इस इम्तहान पर पूरा उतरेगा अब पूरा कैसे उतरे ये भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि आपके सवाल में शायद ये आपके जहन में शायद ये सवाल उठे कि भई हम पूरा कैसे करेंगे देखें वो आसान है एक तो आपको अब अक़ल से काम लेना होगा अपने वजूद पर गौर करें कि मैं कौन हूं मैं मुख्तसर तौर पर मैं अपनी हकीकत पर गौर करें आपको बनाया किसने है आपका खालिक कौन है क्या अल्लाह के सिवा आपको किसी और हस्ती ने पैदा किया है क्या इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह के अलावा कोई और है नहीं बिल्कुल सही जवाब है ये नहीं, अल्लाह ही है अल्लाह ने कायनात भी पैदा की और मुझे भी पैदा किया और मैं कौन हूँ इस पे सोचें तो हमारे जब हम पूछते हैं अल्लाह से पूछते हैं और उसके रसूल हमें बताते हैं कि तुम में एक रूह रब्बानी है अल्लाह फरमाता है हदीस का मजमून क्या है कि इंसान जब माँ के पेट में चार महीने का हो जाए बन जाए बच्चा बन जाए तो चार महीने के बाद 120 दिन के बाद वो रूह रब्बानी अल्लाह ताला की तरफ़ से उसमें फूकी जाती है यानी इसमें दो रूहें हैं एक हैवानी है एक रब्बानी है। हैवानी रूह तो वो जरसूमे में जो आप वो पानी की हकीर बूंद में मौजूद होती है वो हैवानी रूह है उसका कोई

बारगी उसको सजदा किया ये वो असल है हमारी ये वो हकीकत है जो हम में मौजूद है तो अच्छा अब ये रूह को जिस्म क्यों मिला है वो मर्तबा जो मैंने आपको अभी बताया वो मर्तबा अता करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इसको यानी इसको तैयारी के लिए भिजवाया अब इसका इम्तहान क्या है इज़ब तला इसका इम्तहान यह है कि भाई तुम देखो ये सारी चीज़ें तो अच्छी लगती हैं ये मैंने तुम्हें मुजीन कर दी है तुम्हारी ज़रूरियात हैं ये औरत है मर्द है हब्बुशहवा मिननसाएँ औरतें हैं और आप कभी किसी सूरत को देखते ही रह जाते हैं कि क्या अल्लाह तूरत बनाई है मिसाल के तौर पर अर्ज़ करो फिर आपकी मिनन नसाए वलबन औलाद हाय मेरा बच्चा तो औलाद है वलबन वल, वल तिर सोने चांदी की ढेर हैं किसे अच्छे नहीं लगते नए नए नोटों की गड्डियाँ पाँच पाँच हज़ार रुपये वाली या डॉलर के सौ डॉलर का पैकेट किसी अच्छा नहीं लगता तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक यानी ये सारी चीज़ें तो नज़र तो आ रही हैं लेकिन ये तुम्हारा मकसूद नहीं है तुमने इनको दिल में जगह नहीं देनी तुमने इनको हाथ में रखना है यानी ये तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए है चीज़ें जिंदगी गुजारने के लिए है। ये जरूरियात है इसको तुमने दिल नहीं देना तुम्हारी आजमाइश इसमें है कि तुम इसमें दिल न लगाओ और दिल मुझसे लगा दो जो दिल मैंने दिया है वो मुझे दे दो और दिल में मेरी याद को बसा लो ये इम्तिहान है अच्छा इम्तहान बल बेकलिमात हैं चंद कलिमात और एक इम्तहान ये भी है कि ए इंसान मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है ज़िंदगी दी है और इख्तियार दिया है अब इख्तियार इसलिए दिया है कि यह एक हॉट कैश है तुम्हारे पास तुम अगर मेरी मुलाकात चाहते हो मेरा तकरब चाहते हो मेरी मेरा दीदार चाहते हो तो तुम इस इख्तियार एज इट इज़ मुझ पर बेच दो इसको इस्तेमाल ना करो इनबाशतरा फुस बेअमल जन्न ये इख्तियार मुझ पर बेच दो मालो जान का इख्तियार मुझ पर बेच दो आवज़ में तुम जन्नत खरीद लो यानी ये बेच के जन्नत तुम्हारी बे अन्मल जन्ना अब ये बेकलेमातिन चंद मैंने आपको बताया ना दो बातें मैंने बड़ी बड़ी बताई एक तो दिल में दुनिया को ना रखो दूसरे इख्तियार जो मैंने तुम्हें दिया है वो मुझको वापस कर दो अपने आप को मेरे हवाले कर दो अपना सर मेरे हुक्म के सामने झुका दो जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारो अपनी मर्जी अब ये इम्तहान है बेकले मातिन महुन अगर तुमने ये पूरी कर दी तो तुम लोगों के इमाम बन जाओगे ये न समझें कि ये इमामत का वादा सिर्फ इब्राहिम नहीं उनकी औलाद से भी है खालिब अमिन जरूरी ये मेरी औलाद में भी ये इमाम हाँ अल्लाह ताला ने कहा है ज़रूर जो तुम्हारी पैरवी करेंगे वो वो भी इमाम होंगे अल्लाह तो हम सब आले इब्राहिम हैं खून का रिश्ता नहीं है हमारा रूहानी रिश्ता है हम इब्राहिम फत बे इब्राहिम हनीफा व तुम सब इत्तबा करो इब्राहिम की मिल्लत की तो ये हिजब तला आपको इस यानी ये मफहूम जो मैंने आपको बताया देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ जहाँ तक इमामत का ताल्लुक है तो जो भी नबी का कलमा पढ़ लेता है नबी की दावत पर यकीन कर लेता है अल्लाह को अपनी मंजिल बना के अल्लाह के रास्ते पर चलने लगता है यानी क्या मतलब एक मोमिन 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 जो है यानी मोमिन वो जिसका यकीन हो कि अल्लाह मेरी मंजिल है अल्लाह मेरा महबूब है मबूद है मकसूद है मतलूब है अब ये इमाम बन जाता है क्योंकि मोमिन अपने लिए तो जीता नहीं है ये तो अल्लाह के लिए जीता है अब अब ये खुद और लोगों के सामने यानी खुद इसने एक कामयाबी का सौदा कर लिया अब इसकी ड्यूटी ये है कि ये और लोगों को दावत देगा अल्लाह की तरफ इमाम बन के बुलाएगा अल्लाह की तरफ लोगों को हर मोमिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने हर मोमिन दाइल्ला है हम तो सोए हमें तो अपनी हैसियत का पता ही नहीं हर मोमिन दाइन अल्लाह बेज्न ही वसरा जब मुनिरा हर मोमिन एक हुआ चिराग है असहाबी कन्नजूम मेरे असहाब सितारों की मानिंद है हर मोमिन का आप इतबा करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे व तब सभी अनोब इले जो भी मेरी तरफ रुजू कर चुका है उसकी पैरवी शुरू कर दो जो भी मेरे रास्ते पर चल रहा है उसके पीछे पीछे चलो ये क्या मुश्किल बात है तो बहरहाल इज़ब तला इब्राहिम रब्बू बिकल मातिन मैं आपको एक आयत सुना रहा था वो यानी इमामत के बारे में अल्लाह ताली ने फरमाए कि कुन तुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तुम एक बेहतरीन उम्मत हो उम्मत वसत हो कुन तुम, तुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास मैंने लोगों के लिए तुम इमाम हो लोगों के ऐ मुसलमान ऐ मोमिन तुम लोगों के इमाम हो फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि व क़ज़ाल का जालनाकुम उम्मत वसता ले तकून शहदा आलन्नास व यकून रसूल शहीदा तुम एक उम्मत वसत हो दरमियानी उम्मत हो और कन तुम उम्मत व के जालना कुम उम्मत उम्मतम वसतन, ले शहद ताकि लोगों के लिए एक नमूना बन के तो इमाम तो नमूना होता है इमाम की तो इतबा की जाती है और इमाम की पैरवी की जाती है शहदाज वकून रसूल आलकम शहीदा और रसूल तुम्हारे लिए नमूना होंगे तो स्वामिन करम यह आयत बज़ाहिर खिताब जो है इब्राहिम से है। लेकिन असल खिताब हम से है अच्छा इसमें एक और बात है ला नालहदस वालमीन जो िम है उनसे अल्लाह का फिर कोई वादा नहीं है जो अल्लाह के अल्लाह के आजमाइश पर पूरा उतरेगा उसके साथ अल्लाह का वादा है कि ये इमाम जमान बन जाएगा मम्मा तवलम यारिफ इम जमान ही फकन ना तम तल जाहिया ये इमाम जमान बन जाएगा लेकिन अगर ये ना बन सका और लहलाब में पड़ गया तो ये ालिम है खुद पर जुल्म किया इसने Allah के साथ इसका अब कोई वादा नहीं है सिवाय वाद जहन्नम के मैं तिलावत करता हूं मेरे साथ दोहराइए दोहराइये बिस्मिल्लाहमान रहीम वला इबरा रब قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين جي ترجمة سنة إذ و وإذ और इस सिलसिले में ये बात काबिल नोट है कि हमने आजमाइश की इब्राहिम की जब इब्राहिम की आजमाइश की उसके रब ने बेकल चंद बातों पे फ आत्म तो वो उन पर पूरे उतरे और इन्नी करना से इमामा तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूँ अला वमीन जरूरी इब्राहिम सलाम ने कहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी ज़ुर्रियत मेरी औलाद में से भी इमामत होगी अल्लाह या नालहदालमीन अल्लाह ने कहा कि मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं है

इमामा और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे खुदा ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो खुदा ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता इसके साथ ही सामने कराम आज के दर्स का वक्त अख्तितम को पहुँचा इन अगले दर्ज में मुलाकात होगी व आखिर दावाना रबीन वालेक वरम वक् على حبيبك خير الخلق كلهم